क्या हुआ? मेरी कमर में मोच आई है। कहाँ पे? उस टाइम तो मेरी साड़ी खींच रहे थे ना, इसलिए कुछ नहीं बोली, लेकिन अब मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है। लाओ मैं दबा दूँ। कैसा लग रहा है? बस अब रहने दो। आओ, अब तो आओ। तुम्हें इतना भी नहीं पता क्या? एक तो मैं सर दर्द से परेशान हूँ, और तुम्हें इतना भी समझ में नहीं आ रहा कि परेशानी में तुम मजे लेना चाहते हो। हाय डैडी। हाय आंटी। इतनी रात को कहाँ से आ रही हो? शंकर को एयरपोर्ट छोड़कर आ रही हूँ, इस वक्त वो दिल्ली में है। अच्छा। और हाँ आंटी, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, शंकर को मैं पूरी तरह से अपने जाल में फंसा चुकी हूँ। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से शंकर के साथ शादी कर ले। वो जैसे ही दिल्ली से आएगा मैं उसे शादी कर लूंगी, उसके घर की बहू बनकर सारे खानदान को मार डालूंगी, और फिर लास्ट में नंबर लगेगा शंकर का। गुड। और उसके बाद शंकर की दौलत और जायदाद हम तीनों आपस में बांट लेंगे, इसीलिए तो ये जाल बिछाया है। हेलो, मैं शिफाली बोल रही हूँ। मैडम, होटल हेलो हेलो के रूम नंबर 3 में पहुँचिए। ओके, मैं पहुँच रही हूँ। अब कहाँ जा रही हो? एक बहुत ही पुराना कस्टमर है, उसका नाम है मिस्टर कुकरेजा, बहुत अच्छी पेमेंट भी करता है, उसके पास जा रही हूँ। इन कपड़ों में? नहीं आंटी, इससे भी सेक्सी ड्रेस पहन के जाऊंगी। खत्म कर डालो सवारों लड़की को। मैं नहीं चाहता कि मेरे मंदिर जैसे घर में वो बच्चलन लड़की बहू बनकर आए। और कुछ बोलना है साहब? मेरा एक पुराना दोस्त है मिस्टर कुकरेजा, जिसने मुझे उस लड़की के बारे में सब कुछ बताया है और उसका फोन नंबर भी दिया है। मैंने कुकरेजा बनकर उसे फोन करके होटल हेलो हेलो में बुलाया है। तुम एक काम करो, उसे रास्ते में घेर लो। आगे तुम्हें क्या करना है तुम अच्छे तरह से जानते हो। ठीक है साहब, आपका काम हो जाएगा। आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, क्यों मुझे मारना चाहते हो? क्योंकि शंकर के पिता ये नहीं चाहते थे कि तू शंकर से शादी करे, इसलिए उसने हमें 5 लाख दिए तुझे मारने के लिए। मैं तुम लोगों को 10 लाख रुपए दूंगी, 5 लाख मुझे छोड़ने के और 5 लाख शंकर के बाप को मारने के। मैं कुत्ता हूँ, कुत्ता। कुत्ता अपने मालिक से बेईमानी नहीं करेगा। अपने दुश्मन के साथ क्या करेगा वो बताता हूँ। अब ठाकुर साहब का काम करना बाकी है। अरे रॉबर्ट जल्दी करना, आधे घंटे से खबर नहीं खोदी, कोई आ जाएगा साला, जल्दी कर जल्दी। हाँ। देना चाहिए कि उनका काम हो गया। चलो अभी दागदार कर डालती। ये सब होने के बाद भी अगर वो अपने यार के साथ भागी ना होती और तुम उसे चाहते तो मैं तुम्हारी शादी उसके साथ करा देता। खैर जो होना था सो तो हो गया। बेटा हमने एक लड़की देखी है, अगर तुम्हें पसंद हो तो हम रिश्ते की बात चलाएं। पापा मैं भी शादी नहीं करूंगा। शादी कर लो बेटा, हम पति पत्नी तो वो पके हुए फल हैं जो जीवन की डाली से कभी भी टूटकर गिर सकते हैं। बेटे हमारी आखिरी इच्छा पूरी कर दो ताकि मरते समय हमें कोई गम ना हो। बेटे शंकर बेटा हमने तुम्हारी हर इच्छा पूरी की है, इस बार हमें निराश मत करो। ऐसी लड़की के बारे में क्या सोचना जो बच्चेलन थी, उसे तुम्हारा जरा भी ख्याल नहीं था और तुम्हें धोखा देकर चली गई। ठीक है शेफाली, मैं तुमसे प्यार जरूर करता था मगर तुम मेरी दुल्हन बनने के काबिल नहीं। मैं शादी के लिए तैयार हूं डैडी। भानु प्रताप अब तू और तेरा खानदान मेरे कहर के सैलाब में डूब जाएगा। तेरे बेटे शंकर ने दूसरी शादी करके मेरे साथ नाइंसाफी की है। मेरी जगह तेरे घर में कोई भी दूसरी बहू आएगी, मैं उसे अपनी रूहानी ताकत से पकड़ूंगी और तेरे खानदान को और तुम सबको अपने खूनी शिकंजे में जकड़ूंगी। भानु प्रताप रॉबर्ट तुम बहुत ताकतवर हो। जी हाँ, मैं 10 लोगों के साथ में लड़ सकता हूँ, उनकी लाशें भी गिरा सकता हूँ। लेकिन तुम किसी भूत या चुड़ैल से नहीं लड़ सकते। भूत या चुड़ैल सामने तो आए, मैं उन्हें भी मार डालूंगा। कौन है तू? मेरी इज्जत लूटकर मेरी लाश को मिट्टी में मिलाने वाले पूछता है कि मैं कौन हूँ? तो तुम शेफाली हो? हाँ मैं शेफाली हूँ, आज मैं तुझे मारने आई हूँ। हरामजादी। अरे बाप रे बाप, 8 बज गए। छोटे मालिक की शादी में जाना है। आ गई हमारे घर की लक्ष्मी आ गई। जैसे ही बहू के पैर हमारे घर में पड़ेंगे, घर में उजाला ही उजाला हो जाएगा और बदनसीबी का मुंह काला। भाभी, इस परिवार की परंपरा है कि जब भी कोई नई दुल्हन गृह प्रवेश करती है तो उसे थाली में पैर रखकर अंदर आना पड़ता है ताकि कोई बात अशुभ ना हो, सब शुभ शुभ हो। हाँ बहू, तुम्हें इस थाली में पैर रख के ही घर में आना है। भगवान, ये कैसा अपशकुन हो गया। इस हसीन मुखड़े को जो चांद का टुकड़ा है, हाथों के बादल बनाकर उससे छुपाने की कोशिश मत करो। चुम दो मुझे हर उस किरण को जो तुम्हारे चमकते हुए चेहरे से निकल रही है। जोरों के साथ ये लॉकेट कैसा? ये उनका लॉकेट मेरी माँ ने मुझे दिया था और पहनाते वक्त कहा था इसको कभी मत उतारना, ये हमेशा बुरी नजरों से और अंधे की बलाओं से तुम्हारी रक्षा करेगा। इतनी पढ़ी लिखी होकर भी ऐसी तख्यानुसी बातों पर विश्वास रखती हो तुम? तो? विश्वास ही धर्म की बुनियाद है। मानो तो देव, ना मानो तो पत्थर। तुम्हें क्या पता है, सोम की शक्ति से बड़े बड़े राक्षस भस्म हो जाते हैं। अच्छा सुनो, 2 दिन के बाद मैं लंदन जा रहा हूँ। उसके बाद सैकड़ों रातें मुझे तुम्हारे बिना काटनी पड़ेगी, इसलिए उन रातों का प्यार तुम मुझे एडवांस में दे दो। हाँ? अरे 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 अरे, 1 मिनट। पुरानी मिसाल है ना कि दीवारों के भी कान होते हैं। हाँ? आज जमाने ने इतनी तरक्की कर ली है कि दीवारों की आंखें भी होती हैं और वो हमें घूर रही हैं। प्लीज लाइट ऑफ कर दीजिए। वैसे तो किताबें पढ़ने के लिए रोशनी बहुत जरूरी होती है, मगर हुस्न की किताब अगर अंधेरे में पढ़ी जाए तो उसका एक एक शब्द समझ में आता है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, मैं उसे मार डालूंगी। पिताजी, वो लॉकेट मुझे मुक्ता के शरीर में जाने से रोक रहा है। उसे निकाल दो पिताजी, पिताजी उसे निकाल दो, पिताजी लॉकेट को निकाल दो, उसे निकाल दो, नहीं उसे निकाल दो, उसे निकाल। रोज रोज आते हो, देखते हो और चले जाते हो, ऐसे क्या बात है? हाँ, मैं तो बस यूं ही बंगला देख रहा था। बंगला देख रहा था या बंगले में रहने वाले को देख रहा था? सचमुच सचमुच देख रहा था ना? तो इसमें इतना शर्माता क्यों है? मेरे साथ चल, मैं दिखाता हूँ, चला जा मेरे साथ, आओ। अच्छा अच्छा, ओ ये है, ये वाली मैं दिला सकता हूँ। आप ब्रोकर हैं यानी दलाल? छी, दलाल नहीं, मेरा नाम घर जोड़े है और मैं दो जिस्म को एक जिस्म करने काम करता हूँ। आप मेरी इस लड़की से सेटिंग करवा देंगे? राशन कार्ड है? राशन कार्ड क्यों? अरे एड्रेस प्रूफ के लिए। पासपोर्ट है? दिखाता हूँ। दे दो मुझे। आपको क्यों? अरे मैं इसकी फोटो कॉपी करवा के वापस कर दूंगा। क्या है ना, एड्रेस प्रूफ के लिए चाहिए ना। अब एक आखिरी बात, तुम्हें कोई बीमारी वाली नहीं है ना? मेरा मतलब एड्स वेड्स नहीं है ना? हाँ? अरे बैठो, कुछ नहीं, लड़की की जिंदगी का सवाल है ना। हाँ, तुम उसे खुश तो कर सकोगे ना? मुझे शादी थोड़ी ना करनी है, मुझे तो बस यूं ही इच्छा हो गई। तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी बालक। लड़की बिल्कुल कच्ची कुमारी है और आज इस जवानी में पहला कदम रखा है। आज मैं फिल्म देख के आया हूँ। हाँ। राजश्री की दुल्हन। हाँ। वही जो हाँ। पिया मन भाई, उसमें जो हीरोइन थी ना। हाँ। घरेलू, मुझे वैसे ही लड़की चाहिए। हाँ। पेपर में साइन करो। मैं समझा नहीं, पेपर में साइन क्यों करूँ? इसमें इतना झमेला क्यों? राशन कार्ड दिखाओ, पासपोर्ट दिखाओ। हमारी कंपनी का रूल है, पेपर पे साइन करो, पैसे दो और जाओ। पैसे दो? ए, हा, 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 आ, आ, अरे दोनों। अरे भाई, यही दाम है यहाँ का। ये भाजी पाले की दुकान थोड़ी है। पेपर साइन करो। हाँ, 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 ये यहाँ पर। हाँ। अच्छा है, बाय। ठीक है। क्या फिगर है, क्या कमर, मेरी जान आजा। ओहो, वाह, क्या लग रही हो मेरी जान। अरे उठो उठो, ये क्या कर रही हो? अरे आप तो मेरे पति हैं और पति तो भगवान का रूप होता है, इसीलिए मैं आपके पैर छू रही थी। बस बस, अब और न तरसाओ मेरी रानी। तुम्हारे तन पे ये कपड़े अच्छे नहीं, इन्हें उतार दो। क्या हुआ? मेरी कमर में मोच आई है। कहाँ पे? उस टाइम तो मेरी साड़ी खींच रहे थे ना, इसलिए कुछ नहीं बोली, लेकिन अब मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है। लाओ मैं दबा दूँ। कैसा लग रहा है? बस अब रहने दो। आओ, आप तो आओ। तुम्हें इतना भी नहीं पता क्या? एक तो मैं सरदर्द से परेशान हूँ और तुम्हें इतना भी समझ में नहीं आ रहा कि परेशानी में तुम मजे लेना चाहते हो। तुम नाराज मत हो, मैं तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान देखना चाहता हूँ, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं। तुम ठीक हो जाओ, मैं फिर आऊंगा। बुद्धू कहीं का। आओ आओ, धन्य हो धन्य हो। इसमें धन्य कैसे हूँ? अरे रस्सी के शयन कक्ष से निकलने वाले कामदेव, आपकी प्रसन्न मुद्रा से देखकर ऐसे लगता है कि परम सुख पाने वाले इस दुनिया में आप ही प्रथम पुरुष है। आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं हुआ। तो क्या हुआ? मैंने उसको बिस्तर में बिठाया, उसकी कमर में दर्द हो गया और सर में भी। ओ, ये तो बड़ी दुख की बात है। अब मेरे पैसे लाओ। पैसे लाओ? अंग्रेजी आती है पढ़ने? घूमो, देखो क्या लिखा है। नो रिफंड मनी। मतलब क्या हुआ? पैसे वापस नहीं होंगे। पैसे वापस नहीं होते हैं बेटा। अब जल्दी से जितना हो सके यहाँ से वापस निकलो, कहीं पुलिस आ गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। निकलो। अरे बाप रे, बाप रे, उधर। हाँ हाँ हाँ, लड़का अच्छा है। दिल का दर्द दिल तोड़ने वाले क्या जाने, प्यार के रिवाजों को जमाना क्या जाने। अरे कितनी तकलीफ होती है एक लड़की पटाने में, एक घर बैठा लड़की का बाप क्या जाने। महेश, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। पहले ये बताओ तुम भैया की शादी में क्यों नहीं आए? ओ जान, डैडी की अचानक तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए नहीं आ सका। ओह, आई एम सो सॉरी। अब बताओ क्या कर रही हो? बस तुम्हारी याद में करवटें बदल रही हूँ, और क्या करूँ। तो जान, तकिया को महेश समझकर सीने से लगा लो ना, बेचैनी दूर हो जाएगी। हाँ, तकिया तो क्या, दुनिया की कोई भी चीज महेश नहीं बन सकती। अच्छा ये बताओ कि कब मिल रहे हो? बहुत जल्द, बहुत जल्द जान। ऐसे किसी तूफानी रात में, जब बादल गरज रहे होंगे, बिजली चमक रही होगी और तुम बिजली से डरकर मुझसे लिपट रही होगी। आपको मेथी के परोठे बहुत पसंद है ना? मैंने आपके लिए मेथी के परोठे बनाए। थैंक यू। आपको खीर बहुत पसंद है ना? आपके लिए खीर बनी है, रोटी के साथ खीर खाइए। और दादाजी, आपको छोले भटूरे बहुत पसंद है ना? छोले हैं, भटूरे नहीं बना सका ना, तो परोठे के साथ छोले खाइए ना। जॉनी, सैंडविच तो रह गया। हाँ, तो तुम दोनों सैंडविच भाई सबको। अच्छा ठीक है, ओके। अरे क्या हुआ मुक्ता? क्या हुआ? कॉकरोच, कॉकरोच। अरे अरे डरो मत छोटी मालकिन, मैं अभी चप्पल से उसे मार के चपटा कर। रुक जाओ जॉनी, रुक जाओ, इसे मुक्ता ही मारेगी। चलो मुक्ता, चलो मुक्ता, इसे मारो। अरे मारो, डर के क्या हो? अरे कॉकरोच से क्या डरती हो? मारो ना। अरे मुक्ता, इतना ज्यादा डरना अच्छी बात नहीं है। हाँ? अरे छोटी मालकिन, एक बार मैं जंगल में मंगल मनाने के लिए गया था। वहाँ बैठे बैठे शराब पी रहा था पेड़ के नीचे कि सामने से शेर आ गया। मुझसे कहता है मुझे थोड़ी सी शराब दो ना। मैंने कहा शर्म नहीं आती? जंगल का राजा होके तू शराब मुझसे मांग कर पीता है? अपने पैसे से खरीद के पी। तो शेर बोला मेरे पास पैसे होते तो मैं जंगल में नंगा थोड़े ही घूमता। मुझे बहुत दया आई उस पर, सारे कपड़े उतारकर उसको दे दिए मैंने। अरे मैं, तो फिर घर कैसे आया तुम? अरे मैं हम गेटली में था ना, जैसे गया था वैसे ही आ गया मैं। मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। कौन हो तुम? शेफाली, शेफाली, जिसे तूने और तेरे साथियों ने मिलकर मार डाला था। मैं तो जिंदा नहीं छोड़ूंगी। रॉबर्ट, जंगल में ठाकुर की लाश मिली। क्या? हाँ। उससे पहले जंगल में भीखो की लाश मिली। हाँ। इस बात की खबर भानु प्रताप को देनी चाहिए। बिल्कुल। मुक्ता, अब तुमको सबका ख्याल रखना है। ये लो, ये लॉकेट सिर्फ तुम्हें मेरी याद ही नहीं दिलाएगा, बल्कि तुम्हें बुरी नजरों से भी बचाएगा। चलो डैडी, चलता हूँ। जीते रहो। अच्छा माँ, खुश रहो। ओके मुक्ता। चलो रॉबर्ट। दीवारें गिर गई। मुझे मुक्ता के शरीर में जाने से कोई नहीं रोक सकता। शंकर को वो लॉकेट पहनाकर मेरी सारी मुश्किलें दूर कर दी। अब मैं उसके सारे खानदान को परलोक पहुंचा दूं। अरे बहू आओ, बहू आओ। लीजिए दादी जी, दूध पीजिए। जुग जुग जियो बेटा। जब से तुम इस घर में आई हो, हमारा कितना ख्याल रखती हो। भगवान तुझे सदा सुखी रखे बेटा। दादी जी, आपकी दुआएं मिल गई, घर में सबका प्यार मिल गया, मैं तो निहाल हो गई। तो हमें भी निहाल कर देना। जल्दी से माँ बन जा और हमें हमारी चौथी पीढ़ी का चांद सा मुखड़ा दिखा दे। हाय, क्या हुआ दादी जी? बेटा, बुढ़ापा दर्द बनकर हड्डियों में समा गया है। पैर बहुत दुखते हैं। दादी जी, आप लेट जाइए, मैं आपके पाँव दबा देती हूँ। नहीं बहू, तू रहने दे। तू भी थक गई होगी, सारे दिन घर का कामकाज करके थक गई है ना। दादी जी, बड़ों की सेवा और दुआ समय के बैंक में की हुई वो जमा पूंजी है जो बुढ़ापे में हमें अपने बच्चों से मिल जाती है। दादी जी, आप लेट जाइए। अच्छा बेटा। की मौत हार्ट फेल होने से हुई है। मैं डिस्पेंसरी जाकर डेथ सर्टिफिकेट भिजवाता हूँ। ठीक है। बस करो भाभी, इतना रो रो कर जान हल्कन मत करो। पता नहीं नंदनी, अब तक तो दादी जी ठीक ठाक थी, पता नहीं अचानक क्या हो गया दादी जी को। अरे कुंजू, अरे पूरा नाम लो कुंज बिहारी। अरे यार कुंज बिहारी जी देखो यार। हाँ? अरे आप कहिए क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी? आज मैं फिल्म देख के आया हूँ राज कपूर की, बरसात फिल्म। अच्छा। उस हीरोइन को देखकर मेरा दिल मचल उठा। आज मुझे वो भीगे बदन में चाहिए। बिल्कुल भीगे हुए बदन में मिलेगी आपको। आपकी फरमाइश वैसे है बड़ी जोरदार। हाँ, लेकिन उसका एक्स्ट्रा लगेगा। अरे यार पैसे की परवाह करता कौन है? अरे भाई मैंने कहा ना भीगा बदन एक्स्ट्रा लगेगा। पेपर पे साइन करो और अंदर जाओ। हाँ हाय स्वीटहार्ट। हाय डार्लिंग। अरे ये क्या, तुम्हारा बदन सूखा है? मैंने एक्स्ट्रा रुपए दिए हैं, जाओ नहा के आओ। ओके, अभी गीली होकर आती हूँ। यस। अरे ये क्या हुआ, अचानक तुम इतना ठिठुर क्यों रही हो? एक तो मुझे ठंडा पानी से नहलवाया और ऊपर से पंखा फुल ऑन कर दिया। मुझे ठंड लग रही है। अब मुझे जुकाम होगा और फिर निमोनिया और बाद में मैं खल्लास। खल्लास मतलब मैं मर जाऊंगी। और तुम पर मर्डर का इल्जाम, एक लड़की की बहन में घुसकर उस पर बलात्कार करने का आरोप। अब मैं क्या करूं? मैं डॉक्टर को बुलाता हूं। ऐसी गलती मत करना। अरे 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 मुझे यहाँ भाग रहे हो, कहाँ भाग रहे हो? उसे निमोनिया हो गया है। उसको निमोनिया हो गया है। ऐसा क्या किया तुमने? मैंने कुछ नहीं किया है, मेरे बिना कुछ किया ही उसे निमोनिया हो गया है। अरे वाह क्या बात है, ऐसे भड़कते हुए शोले को तुमने निमोनिया दे दिया। अरे जवा मर्द हो, जवा मर्द हो। अरे कहीं वो मर गए तो मुझे फांसी का फंदा लग जाएगा, मुझे जाने दो। अरे अरे परसों वो आए हमारे घर, खुदा की रहमत है, कभी हम उनको आते हुए कभी भागते हुए देखते हैं। मम्मी डैडी नंदिनी कहाँ है सब लोग? छोटे सरकार आप? अरे जॉनी आप आ गए छोटे सरकार? हाँ जॉनी, घर के सारे लोग कहाँ गए? घर में तो सन्नाटा सा क्यों है? पड़ोस में किसी की एक्सीडेंट से डेथ हो गई है, सब लोग वहीं पर गए हुए हैं। मुक्ता कहाँ है? बहू अपने कमरे में है। तो देखो लंदन से बहुत सारे गिफ्ट लाए तुम्हारे लिए। मुक्ता 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 देखो मुक्ता मैं आ गया। मुक्ता, मुक्ता। इतना भयानक सपना। हेलो मुक्ता, मैंने अभी एक भयानक सपना देखा, जैसे किसी मौत के शिकंजे ने मेरे पीठ पर चाकू घोंप के मुझे मार डाला। ये तुम क्या कह रहे हो शंकर? क्या तुम मुझसे नाराज हो? अरे नहीं मुक्ता नहीं, तुमने ऐसे कैसे समझ लिया? तुम सिर्फ मेरे और सिर्फ मेरे सपने देखा करो, ये फालतू सपने नहीं। जाओ, अब मैं तुमसे बात नहीं करती। अरे तुम मुझसे रूठोगी तो मैं जी नहीं सकूंगा, तुम्हारा प्यार ही तो मेरी जिंदगी है। अगर अपना प्यार और अपनी जिंदगी चाहते हो तो जल्दी वापस आ जाओ, हम दोनों मिलकर प्यार के सपने देखेंगे। ओके? सच मुक्ता, आज तुम्हारी बहुत याद आ रही है। ओ कम ऑन नंदनी डार्लिंग, मैंने तुमसे कहा था ना मैं पहुंच जाऊंगा, और फिर मैंने तुमसे चौपाटी पर परसों 5 बजे मिलने का वादा भी तो किया है ना। मैं जरूर पहुंच जाऊंगा जान। तो आज क्यों नहीं आ जाते? आज मैं थोड़ा बिजी हूँ। ठीक है, तुम बिजी रहो, मैं तुम्हारी तस्वीर देखकर ही दिल बहला लेती हूँ। ठीक है जान। जिन्नी डार्लिंग बोलो ना। ये भिंडी काटते काटते, आलू काटते काटते, चावल चुनते चुनते, चटनी पीसते पीसते, मटन बनाते बनाते, ये चिकन बनाते बनाते हमारी जिंदगी यूं ही बर्बाद हो जाएगी। तो आखिर तुम चाहता क्या है? मैं वही चाहता है जो एक तीखी मिर्ची चाहती है, तुमसे शादी बनाकर अपने जीवन में आग लगा के गले लग जाना। नो, तुमसे शादी बनाना हमको पसंद नहीं, हम बासी दाल की तरह गटर में गिरना पसंद करेगा, पर तुमसे शादी नहीं बनाएगा। तुमसे शादी किया तो तुम मेरे को हॉरर फिल्म का कहानी सुना सुना कर भूतनी बना देगा, हम भूतनी बनकर फिर तुम्हारा खून पिएगा। तुम्हारी बातों से हमको एक हॉरर फिल्म का कहानी याद आ गया। क्या? हाँ, जिसमें बहू के हाथों अपने दादा ससुर की मौत होती है। दादाजी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप चलिए ऊपर चलकर आराम कर लीजिए। अगर अब तुम मेरे को कहानी सुनाया तो हम ये गरम कुकर है ना, उबलता हुआ, उसका गरम गरम पानी तुम्हारा मुंह में डालेगा। ऐसा मत करो जिनी डार्लिंग, ऐसा मत करो। हम कहानी नहीं सुनाएगा तो गैस का सिलेंडर के माफिक हमारा पेट फट जाएगा। ओ, किस जंगली से पाला पड़ा है। अच्छा बाको बोलो। एक बड़ी जिसमें बहू अपने दादा ससुर को हाथ का सहारा देकर सीढ़ियों की तरफ आगे जाती है। दादाजी क्या आप अपनी बहू की बात नहीं मानेंगे? नहीं बेटा, तेरी बात कैसे नहीं मानूंगा, तू ही तो मेरा ख्याल रखती इतना। दादाजी ऊपर चलिए। जॉनी, अबे तुमको क्या हो गया? बहू एक एक कदम संभाल कर सीढ़ी पर रखती है। आहिस्ता आहिस्ता। बहू मेरी दवा मुझे दे देना, बहुत तबीयत खराब लग रही है। और देखते देखते वो आखिरी सीढ़ी तक पहुंच जाती है। आहिस्ता आहिस्ता। नहीं बेटा, मेरी दवा। बाहर बिजली कड़कती है। और हवेली के बाहर भूतनी आती है। और बहू के शरीर में वो प्रवेश करना शुरू कर देती है। जैसे ही वो बहू के शरीर में प्रवेश करती है, बहू अपने चेहरे का रंग बदलती है। दादा ससुर को बड़ी बेरहमी से मार डालती है। दादाजी क्या हो गया? दादाजी अब सीढ़ियों से कैसे गिर गए? कोई है? दादाजी क्या हो गया? हेलो इंडिया गेट पुलिस स्टेशन। एसीपी साहब, ठाकुर भानु प्रताप का बाप मर गया। तो उसमें कौन सी नई बात है? उनकी उम्र हो गई थी ऊपर जाने की। ऊपर जाने की उम्र नहीं हुई थी, बल्कि उन्हें जबरदस्ती ऊपर भेजा गया है। क्या? हाँ, उनका खून किया गया है एसीपी साहब। आप कौन बोल रहे हैं? हेलो हेलो, कल रात उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, बहुत कमजोर हो गए थे दादाजी। सीढ़ियों से गिरते वक्त सर पर चोट लगना ही उनकी मौत का कारण बन गया। दादाजी की मौत की जिम्मेदार मैं हूँ। अगर दादाजी का हाथ मेरे हाथों से नहीं छूटता तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। भाभी चुप हो जाओ, खामखा अपने आप को दोषी मत ठहराओ। अगर पुलिस वालों ने सुन लिया तो तुम्हारे साथ हम भी मुसीबत में पड़ जाएंगे। एसीपी अर्जुन, तुम यहाँ? जहाँ कहीं भी जुर्म होता है एसीपी अर्जुन वहाँ जरूर पहुँचता है। जुर्म? कैसा जुर्म? ये जुर्म। ये तो एक हादसा है। आप कैसी बातें कर रहे हैं? अरे ये तो सीढ़ियों से गिर गए थे। यस यस एसीपी, इट्स एन एक्सीडेंट। नो डॉक्टर, दिस इज नॉट एन एक्सीडेंट, दिस इज मर्डर। खून हुआ इनका। गलत, बिल्कुल गलत। गलत को तो मैं सही करने आया हूँ। बाय द वे, जब हादसा हुआ तो आप कहाँ थे? मैं अपने कमरे में अपनी पत्नी के साथ टीवी देख रहा था। नंदिनी स्वेटर बुन रही थी। तुम? मैं किचन में था, वहाँ भिंडी काट रहा था। कभी कभी पीठ में खुजली आती थी तो चाकू से खुजा लेता था। नहीं साहब, ये झूठ बोल रहा है। ये किचन में मुझे हॉरर फिल्म की कहानी सुना रहा था और ये भी कह रहा था कि एक आत्मा लड़की के शरीर में घुसकर किस तरह खून करती है। शट अप, ऐसी बातें सुनने का मैं आदी नहीं। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई और हम हिंदुस्तानी अभी तक चुड़ैल और भूतों में लिपटे हुए हैं। ये शायद बहू है आपकी? जी हाँ। मैडम, जब ये हादसा हुआ तो उस वक्त आप कहाँ थे? मैं दादाजी के साथ थी। दादाजी को सहारा देकर सीढ़ियाँ चढ़ा रही थी कि दादाजी का पैर फिसल गया और वो गिर गए। ये भी तो हो सकता है कि शायद किसी वजह से आपने उन्हें सीढ़ियों से धक्का दे दिया हो, ये गिर के मर गए हो। आप कैसी बातें कर रहे हैं अर्जुन साहब? कानून किसी का दुश्मन नहीं होता भानु प्रताप जी। अपना फर्ज निभाने के लिए कभी कभी इसे अपने आप पर भी शक करना पड़ता है। कई बार ऐसा हुआ, इट्स हैपेंड सो मेनी टाइम्स, कि बहुत ही भोली भाली और मासूम नजर आने वाली लड़कियों ने बड़ी बेदर्दी से अपने सास ससुर का खून किया है। लेकिन तुम्हारे दिल में ये शक कैसे आया कि किसी का खून हुआ? या मुझे एक अनजान आदमी का फोन आया था, उसने कहा कि खून हुआ है यहाँ, और तुम कानूनी लठ लेकर यहाँ चले आए। ये भी तो हो सकता है कि उसने तुम्हारे साथ मजाक किया। भानु प्रताप जी, मजाक करने वाले को भी कानून के डंडे के सामने आना पड़ता है। वैसे मैं अपना शक दूर करने के लिए इनकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाना चाहता हूँ, इफ यू डोंट माइंड। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। हवलदार जी साहब, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले चलो। थैंक यू वेरी मच। बाहर निकालो। बाहर निकालो और खोलो और खोलो। ठीक से बैठना, ठीक से तो बैठी हूँ। तुमने मेरी जबान को क्या भूतनी समझ के रखा है जो कब्र फाड़ के बाहर निकले और घूम घाम के वापस कब्र में घुस जाए? मैं देख रही थी कि तुम्हारी जुबान को किसी भूतनी ने कब्र समझकर देहरादूनी डाल दिया है। अरे जिनी, तुमको क्या मेरा मुंह कब्रिस्तान दिखता है? अरे तुम्हारी खोपड़ी के भेजे में ये आइडिया आया कैसे? वो ऐसा है ना, तुम जब हॉरर फिल्म का कहानी सुनाता है ना, उसमें जो मरता है वो इस घर में भी मरता है। क्या? हाँ, तुमने दादाजी के बारे में मुझे बताया था कि दादाजी की मौत बहू के हाथों होती है और दादाजी मर गए। कहीं तुम्हारी जुबान काली तो नहीं है? अरे काली नहीं है, मेरी जुबान करामत वाली है। हाँ? मैं जो बोलता हूँ वही सच हो जाता है। अब मैं एक और कहानी तेरे को सुनाने वाला हूँ जिसमें दरवाजा खुलता है और एक नई बला घर में एंटर होती है। भैया भैया, मुझे पता नहीं था कि अब इतने कठोर दिल के होंगे। माँ मरी, आपने खबर नहीं दी क्योंकि वो सौतेली थी, लेकिन हमारा बाप तो सगा है, उनके मरने की भी खबर आपने नहीं भिजवाई। वजह तो तुम अच्छी तरह से जानती हो। भैया मैं लाख बुरी सही, लेकिन जन्मी तो इसी घर में हूँ। मैं जानती हूँ आप मेरी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन क्या मुझे इतना भी अधिकार नहीं है कि मैं स्वाहा होने से पहले अपने बाप का मुंह देख सकूं? सुनिए भाभी, भाभी क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि मुझे अपने बाप के घर आके उनकी मौत पर आंसू बहाने का भी अधिकार नहीं है? क्यों नहीं, खून के रिश्ते इतनी आसानी से थोड़ी ना टूटते हैं, क्योंकि वो तो भगवान के बनाए हुए होते हैं। भाभी भाभी, मुझे तो सहारा मिल गया, मैं तो आप पिताजी की बरसी करके ही जाऊंगी। हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम आराम से रहो। ओम प्रजापते नमः स्वाहा इदं प्रजापते नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय नमः। स्वाहा स्वाहा। मंत्रों के जाप से पता चला है इस घर में गलत पैरों के पड़ने से एक के बाद एक मौत हुई है। पंडित जी, वो पाँव किसके हो सकते हैं? याद कीजिए, जब इस घर में पहली बार प्रवेश करने वाली बहू ने सिंदूर की थाली में पाँव रखना चाहा था तो थाली गिर गई थी। कितना बड़ा अपशगुन हुआ था। कहीं आपका इशारा बहू की तरफ तो नहीं है? जी हाँ, मेरा इशारा उसी की ही तरफ है। हाँ, ये सब बकवास है। शंकर की माँ, मैं ये नहीं मानता। देखिए, मुझे तो पंडित जी की बातों पे भरोसा हो रहा है। हो सकता है शायद बहू। भाभी ऐसी बातों पे भरोसा मत करो। कोई भी घर ऐसा नहीं जहाँ कोई पैदा नहीं होता या मरता नहीं है, मगर किसी की मौत को किसी के अशुभ होने से जोड़ा जाए तो हम सभी अशुभ है, क्योंकि हमारे चारों तरफ रोजाना कोई न कोई मरता ही रहता है। माँ, मेरी भाभी, खरे सोने से बना वो गहना है जिस पर अशुभ का पानी नहीं चढ़ाया जा सकता। वो हमेशा चमकता ही रहता है। देखो बेटी, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं हुआ करती। रागिनी कामे ने 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 ने। अरे सुनिए। कहिए। अरे इधर इधर सुनिए। अरे आप आओ बालक, आओ। आज मैं आपको एक ऐसी कन्या दिखाता हूँ। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वही चाहिए। वही चाहिए? क्या बात है। अच्छा, आज एक बात बताओ, कौन सी फिल्म देख के आए हो? आज मैं सत्यम शिवम सुंदरम देख के आ रहा हूँ। बिल्कुल समझ गया। तो आज आपको जीनत अमान जैसी चाहिए। बिल्कुल सही। सुकन्या, सुकन्या, तुम्हारा चांद जैसा चेहरा तो दिखाओ, दिखाओ ना। सुकन्या, सुकन्या, मैं तुम्हारे लिए तड़पता हूँ, तरसता हूँ। मुझसे क्या शर्माना, आओ अंदर चलते हैं। जल्दी चलते हैं, मुझसे रहा नहीं जा रहा है। चलो चलो डार्लिंग, तुम्हारा चेहरा दिखाओ, दिखाओ ना। अरे ये क्या, तुम मेरी सुकन्या नहीं हो। आज तुम्हारी चाल देखकर ऐसे लग रहा है जैसे सरहद का हारा हुआ सिपाही। मैं मैदान छोड़ के भागने वालों में से नहीं हूँ। तो क्या मार लिया मैदान, टेक लिया माथा, हो गए दर्शन? नहीं, वो आज भी नहीं हुए। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर। मैं वही कर रहा हूँ। मुझे पता है मुझे इसका फल एक न एक दिन जरूर मिलेगा। ठीक कहते हो बेटा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। उनकी गली के चक्कर काटते काटते उनके कुत्ते भी हमारे यार हो गए। वो तो हमारे ना हो सके, हम कुत्तों के सरदार हो गए। नहीं, गाड़ी में से सामान लेके आओ। हाय मम्मी, हाय डैडी। और बेटा कैसे हो? हाय नंदिनी, कैसी हो बुआ? ठीक हूँ। अरे डैडी, क्या होटलें देखे मैंने वहाँ पर, और देखना क्या होटल बनाता हूँ यहाँ पे। रिच बड़ा सा 5 स्टार होटल बनाऊंगा डैडी। क्या हुआ, कैसे हो बेटा? डैडी मैं तो ठीक हूँ, मगर यहाँ पे सबके चेहरे क्यों उतरे हुए? बेटा जब घर की छत टूट जाती है तो बारिश का पानी दीवारों को इस तरह भिगोता है कि दीवारें रोती हुई नजर आती हैं। घर की छत टूट जाती है, मगर इस घर की छत्रछाया दादा दादी है और वो यहाँ दिख भी नहीं रहे हैं। कहीं उन दोनों में से किसी एक को नहीं भैया, दोनों को हमसे बिछड़ना पड़ा। ओह माय गॉड, इतना बड़ा हादसा होकर आप लोगों ने मुझे खबर तक नहीं की। तुम वहाँ एग्जाम दे रहे थे, अगर हम तुम्हें खबर देते तो तुम डिस्टर्ब हो जाते। अच्छा हुआ बेटा तुम पास हो गए, वरना मरने से पहले तुम्हारे दादा दादी ने तुम्हारे लिए जो दुआएं की थी वो बेअसर हो जाती। घंटों सफर करने के बाद भी मैं इतना नहीं थका जितना इन 2 पलों ने मुझे थका दिया है। जाओ बेटा आराम करो, जाओ 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 बेटा। अरे मुक्ता कैसी हो? अच्छी हूँ। क्या बात है? शंकर तुम मुझे छोड़कर कभी मत जाना। बात इतनी सी नहीं है, इन आंसुओं में कोई और बात छुपी है। शंकर जब से दादा दादी की मौत हुई है सब लोग मुझे मनूस कहते हैं। पंडित जी भी कह रहे थे जब से मैं इस घर में शादी करके आई हूँ सब बुरा ही बुरा हो रहा है। और तुमने इन बातों पर यकीन कर लिया? अरे पगली, इस दौर में ऐसी बातें तो जाहिर भी नहीं करते, और हम तो पढ़े लिखे हैं। आइंदा ऐसी बातों पर ध्यान मत देना, समझी? प्रताप, तेरे अवगुण ही अब शगुन के शोले बनकर तेरे घर वालों पर बरस रहे हैं। तूने मेरी बेटी को सिर्फ इसलिए मरवा डाला कि वो तेरे बेटे से प्यार करती थी। अब देख, और देख देख कर रोता रहे। तेरा खानदान किस तरह मरता है, किस तरह मरता है तेरा खानदान, किस तरह तेरे खानदान की लाशें गिरती हैं, जैसे कमजोर छत से बरसात का पानी टपक टपक कर गिरता है। मेरी बेटी की आत्मा तेरे पूरे खानदान का नामो निशान मिटा देगी और इल्जाम आएगा तेरी बहू पर, और वो चढ़ेगी फांसी पर, फांसी पर, क्योंकि उसने वो जगह हत्या ली जिसकी हकदार मेरी बेटी थी। मेरी बेटी को तो उसकी जगह नहीं मिल पाई, लेकिन तेरे सारे खानदान को इस दुनिया में जगह नहीं मिलेगी। सब मरेंगे, सब मरेंगे, तेरा पूरा खानदान मरेगा। अभी जाओ जान, इस तूफानी रात ने तो मेरे तन बदन में आग लगा दी है। पगली, मैं तुम दोनों की शादी के बारे में पिताजी से जल्दी बात करूंगा। ओके मुक्ता, मैं तुम्हारे साथ शॉपिंग लेने आ सकता? कुछ जरूरी काम आ पड़ा है मुझे। तुम नंदी को साथ ले जाओ, और हाँ, रास्ते में बैंक पड़ता है, तुम ये पैसे रखो और जमा करा देना। बी अ क्यूट गर्ल। ओके ठीक है, चलो नंदिनी हम लोग चलते हैं। बाय। गाड़ी को क्या हो रहा है भाभी? क्या हो गया? ओफो, क्या हो गया? लगता है नंदिनी गाड़ी खराब हो गई है। चलो देखते हैं, इस गाड़ी को भी अभी खराब होना था। ओहो, गाड़ी गर्म हो गई है, पानी की जरूरत पड़ेगी। ओके भाभी, मैं कहीं से पानी लेकर आती हूँ। अच्छा भाभी, मैं इसमें पानी लेकर आती हूँ। ठीक है। कहाँ रह गई? मिल गया पानी? हाँ भाभी। जो नंदिनी मरी गई, वैसे भी मुझे उसमें कभी कोई इंटरेस्ट नहीं था। मुझे तो सिर्फ उसकी दौलत से प्यार था, इसलिए फिलहाल ये दौलत मैं अपने साथ लेकर जा रहा हूं। और हां, इस खूनी खेल में जो आपको दौलत मिलेगी उसमें मैं भी बराबर का हिस्सेदार हूं। शाबाश डार्लिंग, भुक्ता को बेहोश करके तुमने एक बहुत ही बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। वो तो ठीक है जानेमन, मगर वो लड़का जो हमारा राज जान चुका है और मुक्ता के पर्स से रुपए लेकर हमें गहरी चोट दे गया है, उसका क्या होगा? देखो डार्लिंग, जब हम समंदर के किनारे सैर करने के लिए जाते हैं ना, तो हमारे जूतों में रेत घुस जाती है। घर आकर हम उस रेत को झाड़ देते हैं और उस पर झाड़ू मार देते हैं। हमारी नजर में भी इस लड़के की हैसियत समंदर के किनारे की रेत से ज्यादा नहीं है। मुक्ता, अगर आपकी तबीयत ठीक है तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। ठीक कहिए। आप ये बता सकती हैं कि आपके साथ क्या हुआ? मैं और नंदिनी गाड़ी से जा रहे थे कि हमारी गाड़ी खराब हो गई। मैंने नंदिनी से कहा कि तुम पानी लेकर आओ, क्योंकि रेडिएटर गर्म हो गया था। फिर नंदिनी पानी लेकर आई। उसके बाद क्या हुआ मुझे मालूम नहीं। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि जब दादी जी मरे आप उनके साथ थे? जी। जब दादाजी सीढ़ियों से गिर के मर गए तब भी आप उनके साथ थी? जी हाँ। और जब मिस नंदिनी का मर्डर हुआ तब भी आप उनके साथ थी? जी। आप मुक्ता पे शक करके उसे तकलीफ दे रहे हैं। देखिए, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ ना, मुजरिम तक पहुंचने के लिए कर रहा हूँ। सो लेट मी डू माई वर्क एंड डोंट इंटरप्ट। लेकिन इस मासूम को क्यों पुल बना रहे हो? सीधी सी बात है, सुनसान रास्ते पर गुंडों ने इन्हें घेरा होगा, इसके सर पर रॉड मारकर बेहोश किया होगा, मगर नंदिनी ने मुकाबला किया होगा, इसलिए उसका गला घोटकर उसे मार डाला होगा और गुंडा पैसे लेकर उड़नचू हो गया होगा। होगा 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 होगा, बहुत कुछ होगा। अब जिस तरह अंदाजा लगाने में माहिर है ना आपको, तो पुलिस फोर्स में होना चाहिए। हाँ साहब, मैं मैट्रिक में फेल हो गयी, वरना मैं कमिश्नर होती। पुलिस कमिश्नर? जी हाँ, पुलिस कमिश्नर और क्रिमिनल दोनों का रिश्ता होता है क्राइम से। हाँ? क्या मतलब? मतलब मैं आपको सही वक्त आने पर समझाऊंगा। मिस्टर शंकर, नंदिनी के मंगेतर का क्या नाम है? महेश। और ये महेश साहब क्या करते हैं और कहाँ रहते हैं? हाँ एसीपी साहब, मैं नंदिनी से बहुत प्यार करता था। उतना प्यार तो शायद मरने वाला अपनी जिंदगी से भी नहीं करता होगा। नंदिनी के साथ जब हादसा हुआ तो उस वक्त तुम कहाँ थे और क्या कर रहे थे? मैं नंदिनी के साथ में सुहागरात मना रहा था। क्या? हाँ एसीपी साहब, मंगनी के बाद में जवान लड़के लड़कियां ख्यालों में ही सुहागरात मनाने लगते हैं, ये तो आपको भी पता ही होगा। मेरा तजुर्बा तो ये कहता है कि तुम जो दिखते हो वो नहीं। Anyway, नंदिनी का खून किसने किया? तुम्हें किसी पर शक है? एसीपी साहब, अगर मुझे किसी पर शक होता तो इस वक्त बेशक वो मौत की नींद सो रहा होता, और अगर मुझे किसी पर शक हुआ तो यकीन जानिए वो जिंदा नहीं रहेगा। अपने आप पर काबू रखो, लंबी उम्र पड़ी है तुम्हारी। क्यों फिर तुमने फांसी पर चढ़ने की बात सोचते हो? एसीपी साहब, अब मैं जीकर भी क्या करूंगा जब मेरी जिंदगी मेरी नंदिनी इस दुनिया में नहीं रही। मैं उसके बगैर अब एक पल भी नहीं जी सकता। धीरज रखो। और हां, पुलिस को इन्फॉर्म किए बिना शहर के बाहर मत जाना है। You got that? Yeah. अरे कुंजू कुंजू कुंजू, अबे मेरे लाल मेरे पीले, कुंज बिहारी बोल। अरे हाँ भाई, कुंज बिहारी जी, क्या काम है? आज का मैच फाइनल मैच है। हाँ? ये लो पैसे। वाह, आज तो इस घूंघट में तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, और आप भी बहुत हैंडसम लग रहे हैं। तो फिर आओ ना। नहीं, पहले आपको मुझे ये मंगलसूत्र पहनाना पड़ेगा और मुझे हमेशा के लिए अपना बनाना पड़ेगा। नहीं, मैं नहीं पहनाऊंगा मंगलसूत्र। पहनाना ही पड़ेगा। नहीं, पहनाना ही पड़ेगा। अरे देखिए देखिए इंस्पेक्टर साहब, देखिए क्या हो रहा है। अच्छा हाँ। तो वो तुम ही हो जो यहाँ आकर इसे परेशान करते हो। हाँ। नहीं, ये सब झूठ है। अगर ये झूठ है तो ये सब क्या है? इन्हें दुल्हन के रूप में देख कर मुझे लगता है कि आप लोगों ने आज शादी कर ली है, बस सिर्फ हनीमून मनाना बाकी है। बिल्कुल ठीक है इंस्पेक्टर साहब, ये देखिए मंगलसूत्र इसके हाथ में है, लड़की का गला है जो सुना पड़ा है, उसको बोलिए कि मंगलसूत्र डाल दे उसके गले में। अरे जेल जाने से तो अच्छा है कि इसके गले में मंगलसूत्र डाल दे, ये मैं कहता हूँ। हाँ। नहीं, मुझे जेल नहीं जाना है। तो डाल। तो चल चल चल, डाल मंगलसूत्र डालो। अरे अरे अरे, अरे बधाई हो जीजा जी। जीजा जी, जीजा जी, ये सुकन्या जो है मेरी बहन है, ये ड्रामा में काम करती है, और ये भी इंस्पेक्टर नहीं है, मेरा दोस्त है कुंज बिहारी। ये ड्रामा हमने इसलिए किया था क्योंकि हमें एक अच्छे और शरीफ लड़के की तलाश थी, और तुमसे अच्छा शरीफ लड़का हमें नहीं मिल सकता था। और तुमने जितने भी पैसे मुझे दिए थे वो सारे के सारे पैसे तुम्हारे अकाउंट में जमा करवा दिए। वो पैसे निकाल लो और अपने घर गृहस्थी की शुरुआत करो। हर यार यार नहीं होता, हर दोस्त वफादार नहीं होता। दिल लाने की बात है, वरना 7 फेरों के बाद भी प्यार नहीं होता। मैं नहीं मानता, मैं शहर छोड़कर जा रहा हूँ रॉबर्ट। लेकिन क्यों? कल रात को एक भूतनी मेरे सपने में आई थी। क्या? वो कह रही थी मैंने तेरे 2 साथियों को मार डाला अब तेरे को भी मार डालूंगी। अरे सपना तो मैंने भी देखा था, भूत वूत कुछ नहीं होता, मैं नहीं डरता इन भूतों से। मगर मैं डरता हूँ, मैं जा रहा हूँ। साला भूतनी से डरता है। बड़ी प्यारी गुड़िया है, अपनी बेटी को दूंगा तो बहुत खुश होगी। करती 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 बदनाम है। ए जीनी, मैं जीनी नहीं हूँ बाबा, तुम्हारी शक्ल तो जीनी से बहुत मिलती है। मैं जिन की बेटी हूँ, जीनी नहीं हूँ। जिन की बेटी इतनी बड़ी बाबा, मैं भूतनी हूँ, मैं चुड़ैल हूँ। तुम भूतनी और चुड़ैल हो, इसका मतलब तुम्हारी दोस्ती होगी उन लोगों के साथ। ये सब भूत, भूतनी और चुड़ैल, ये सब मेरे दोस्त हैं। और हमें बहुत अच्छा लगता है कि किसी की भी गर्दन में मुंह लगाकर खून चूसना अच्छा लगता है। हाँ। मैं भी यही सोचता हूँ कि भूत बन जाऊं और मुर्दों की हड्डियाँ कुर्रम कुर्रम करके चबाऊं। वाह, क्या दिल से दिल मिला है। एक भूत और भूतनी की हॉरर प्रेम कहानी का सिलसिला है। तो फिर इस प्यार के सिलसिले को आगे बढ़ाओ ना, बढ़ाओ ना, बढ़ाओ ना। आगे बढ़ाएंगे, बढ़ते ही जाएंगे, बढ़ते ही जाएंगे। अरे मेरी गरम मसाला, ये सिलसिला आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आज फिर मुझे मार डाला। साली चुड़ैल रोज रोज मुझे सपने मारती है, मुझे कुछ करना पड़ेगा, नहीं छोड़ूंगा इसे। आज तुझे नहीं छोड़ूंगा, तुझे बाहर निकाल कर जला डालूंगा। तू रोज रोज मुझे सपने में मारती है। माँ पिताजी ये सब क्या है? ये अचानक ये तीर्थ यात्रा का प्रोग्राम कैसे बना? बेटा घर में जो ये हादसे हो रहे हैं शायद हमारी कोई गलती का नतीजा हो जिसका हमें एहसास ही नहीं है। हाँ, गलती का दूसरा नाम पाप है और हम अपने अंधे के पाप को धोने के लिए ही गंगा जी के पास जा रहे हैं ताकि किसी भी तरह का काला साया हमारे बच्चों पर ना पड़े। क्या बात है, अभी तक रॉबर्ट नहीं आया? भैया चलो गाड़ी आ गई। चलो शंकर की माँ बनारस पहुँचना है। हाँ चलिए। चलो चलो चलो। अरे भाई चलो। रॉबर्ट। सलाम साहब। तुम कौन हो? मैं पास्कल हूँ, रॉबर्ट का बड़ा भाई। रॉबर्ट कहाँ है? मेम साहब आज उसकी तबीयत बहुत खराब है, आज उससे खून की उल्टियां हो रही हैं, इसलिए उसकी जगह आज मैं आया। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो सामान रखो। लाओ गाड़ी क्यों रोक दी? इस सवाल का जवाब चाहिए तो आप गाड़ी से बाहर आइए। क्या मतलब? मतलब समझाने के लिए ही तुम्हें गाड़ी से बाहर निकाला है। अरे ये सब क्या हो रहा है? क्या लगा रखा है ये सब? क्या लगा रखा है और किसका अभी क्या क्या लगने वाला है अभी पता चल जाएगा। चलो स्टॉप, रुक जाओ। याद करो और पहचानो इस जगह को कि यहाँ कौन दफन है। मुझे क्या पता? तुम्हें क्यों पता होगा? तुम्हें क्यों पता होगा? अगर तुम कुत्ते होते तो सूंघ कर पता चला लेते कि यहाँ मेरी बेटी शेफाली दफन है, जिसके कातिल तुम हो बानू प्रताप। तुम, ये तुम्हारी सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि मेरी बेटी मरने के बाद आज भी जिंदा है। अब तुमसे बदला लेने के लिए उसकी आत्मा आज तक भटक रही है। पहले उसने तुम्हारी बहू मुक्ता के शरीर में प्रवेश करके दादा दादी को और उसके बाद तुम्हारी बेटी को मार डाला। और आज तुम्हारी प्यारी प्यारी बहू के हाथों तुम दोनों की लाशें गिरवा दूंगा। बिंदु तुम? हाँ मैं। मरोगी, आज तुम दोनों मरोगी। बिंदु मेरी बहन होकर हमारे बारे में ऐसी बातें कर रही हो? अरे अरे तुमने भाई होकर मेरे लिए क्या किया? बचपन से तुम मुझसे जलते रहे, छोटी छोटी बात पर डैडी से शिकायत करते रहे तुम। हाँ पहले तो डैडी ने मुझे आजादी दे दी, लेकिन जब मैं शराब और सिगरेट पीने लगी, लड़कों के साथ घूमने लगी, तब तुम लोगों ने मेरा जीना हराम कर दिया और डैडी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। जिस दिन मुझे पता चला कि डैडी ने वसीयत से मेरा नाम निकाल दिया है, उसी दिन मैंने फैसला कर लिया कि इस दुनिया से तुम सब लोगों को मैं निकाल दूंगी। और तब ये मुझसे आकर मिल गई। तुम दोनों को ठिकाने लगाने के बाद शंकर और मुक्ता को मारना उतना ही आसान होगा जितना कि कैमरे का बटन दबाकर तस्वीर खींची जाती है। और मार दे इन दोनों को। अगर मैं नहीं मरती तो तुम आज मुझसे अपनी जिंदगी की भीख नहीं मांगते। देख क्या रही है शिफाली, यही तेरा कातिल है। ले ले अपना इंतकाम, उतार दे सारी गोलियां इसके सीने में। शिफाली इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, ले ले अपना इंतकाम। हवा को पानी में कोई उबाल नहीं सकता, होनी को कोई टाल नहीं सकता। बेचारे एसीपी अर्जुन सिंह के लिए अब एक नई उलझन पैदा हो गई। क्या हो रहा है? फिर घरवालों ने क्या किया है कि एक बाद एक सब मरते जा रहे हैं? किसी ने कुछ ना कुछ तो जरूर किया है, क्योंकि बिना एक्शन के रिएक्शन नहीं होता। मगर किसने किया है और क्यों किया है, इस सवाल का जवाब भी बहुत जल्द मिल जाएगा, क्योंकि लाश के पास एक रिवॉल्वर मिली है और रिवॉल्वर पर कातिल की उंगलियों के निशान जरूर होंगे। अब शंकर और मुक्ता नाम की आखिरी रुकावटों के दूर होते ही मैं करोड़ों रुपए की मालकिन बन जाऊंगी। और उन करोड़ों की दौलत में से मुझे भी हिस्सा चाहिए, और वह हिस्सा तुम मुझे दोगी, वरना तुम जानते हो कि मैं क्या कर सकता हूं। हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं। तुम्हें भी नंदिनी की दौलत से प्यार है और मुझे भी मेरे भैया की दौलत से प्यार है। क्यों ना हम दोनों मिलकर ये काम करें और करोड़ों की जायदाद हाथ आते ही मैं तुम्हारी बन जाऊंगी डार्लिंग। क्या ख्याल है? ख्याल तो बहुत अच्छा है। फिर लगा लो मुझे गले से। आजा। आराम दादी। बच्चे, शरीफ बनना बड़ा आसान है मगर क्राइम की दुनिया का कमीना बनना बड़ा मुश्किल होता है। आया था हिस्सा मांगने मगर किस्सा ही खत्म हो गया। बड़े ताज्जुब की बात है कि महेश का भी खून हो गया जो इस घर में रहता नहीं था, मगर उसका इस घर से ताल्लुक जरूर था। फिंगरप्रिंट से कुछ पता चला? कातिल यहां भी बड़ा खुशकिस्मत निकला, उसके फिंगरप्रिंट्स का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। बाय द वे मिस्टर शंकर, ये जो हवेली तकरीबन 4-5 करोड़ की तो होगी? जी हाँ। बैंक बैलेंस भी 10-15 करोड़ का होगा। ये आप क्यों पूछ रहे हैं? आपको इस प्रॉपर्टी और बैंक बैलेंस से क्या लेना देना? मिस्टर शंकर, कत्ल और दौलत का बड़ा पुराना रिश्ता है। आपके दादा दादी माँ बाप बहन के बाद इस तमाम मिलकियत के मालिक आप ही हैं, आप और आपकी पत्नी। एसीपी अर्जुन, क्या आप हम पर शक कर रहे हैं? अरे शर्म आनी चाहिए आपको। अगर शर्म करता ना तो कई कातिल, कई मुजरिम आजाद घूम रहे होते। तो गिरफ्तार कर लीजिए ना मुझे। मिस्टर शंकर, एक बात बताता हूं आपको, अंधा लाठी के बिना और घोड़ा काठी के बिना बिल्कुल बेकार होता है, ठीक उसी तरह बिना सबूत के पुलिस बेकार है। और जो सबूत है ना, जो सबूत है वो आप दोनों की उंगलियों में छिपा है। तो साफ साफ क्यों नहीं कहते कि आपको हमारी उंगलियों के निशान चाहिए? आपने मेरी बात समझकर मेरी मुश्किल और भी आसान कर दी। सो प्लीज कम ऑन, गिव मी योर फिंगरप्रिंट्स, कम ऑन। अभी तुम भी। मैं आपको चम्मच से। शट अप, जैसा कह रहा हूं वैसा करो। ओके अभी चलिए 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 चलिए। हवलदार जी साहब, इन ग्लासेस को फौरन से लैब भेज दो और कल सुबह मुझे रिपोर्ट मेरे टेबल पे चाहिए। जी साहब। जब इंस्पेक्टर अर्जुन को यह पता चलेगा कि उस रिवॉल्वर पर मुक्ता की उंगलियों के निशान हैं तो वो मुक्ता को फौरन गिरफ्तार कर लेगा। हाँ, तब तो शंकर को मारना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जब तक शंकर के गले में वो ओम का लॉकेट है, शेफाली उसे मार नहीं सकती। अरे घबराओ मत डार्लिंग, हम किस लिए हैं? मेरे आदमी शंकर के गले से वो ओम वाला लॉकेट छीन कर उसे लटका देंगे। क्या बात है भाइयों? बात कोई खास नहीं, तेरे गले में जो लॉकेट लटका हुआ है ना वो हमें दे दे। देखो भाइयों, मैं भगवान के दर्शन करके आ रहा हूँ इसलिए मैं अच्छे मूड में हूँ, और वैसे भी ये लॉकेट मैं तुमको नहीं दे सकता क्योंकि ये मेरे प्यार की निशानी है और प्यार की निशानी जान से भी ज्यादा प्यारी होती है, समझे? फिर तो बहुत लफड़े की बात है दोस्त, फिर तो तू निशानी भी देगा और जान भी। कहाँ जाओ कमीनो? आखिर इस लॉकेट में ऐसी क्या बात है जो ये गुंडे मुझसे छीनना चाहते थे? और वो कौन हो सकता है जिसने इनको भेजा है? खूबसूरती से तुमने अपना ये कारनामा अंजाम दिया है। किसी को शक तो नहीं हुआ? जाने मन, शक हुआ होता तो हम दोनों इस वक्त बीड़ी के आखिरी कश की तरह धुआं बनकर उड़ चुके होते। अरे हम उनमें से नहीं हैं जो धुआं बन जाएं। हम तो इनका धुआं निकाल देंगे। आ जाओ। पता नहीं कब से हम साये की तरह एक दूसरे के साथ हैं, फिर क्यों ना हम आज एक साया बनकर एक दूसरे में हमेशा हमेशा के लिए समा जाएं। मैंने तब मना किया है जाने मन। जिस तरह सिगरेट से लाइटर और कलम से राइटर दूर नहीं रह सकता, उसी तरह मैं तुमसे दूर कैसे रह सकती हूँ? लाइटर राइटर मैं नहीं जानता, लेकिन अगर तुमने मुझसे बेवफाई की तो मैं फाइटर जरूर बन जाऊंगा। बंद करो बेशर्मी से भरा ये गंदा नाटक। वाह, अच्छा हुआ कि नींद से मेरी आंख खुल गई और मैं तेरा पीछा करता हुआ यहाँ तक चला आया और मुझे तेरा ये असली रूप देखने को मिल गया। अबे अकल के दुश्मन, तू तो इतना बेवकूफ है कि अगर अकेला भी रेस में दौड़े तो भी सेकंड आए। क्या मतलब? हमने तुझे जगाया, प्यार का नाटक करके अपने पीछे लगाया और तू हमारे पीछे खिंचा खिंचा यहाँ चला आया। तू वही है ना जो रॉबर्ट की जगह पर ड्राइवर बन के आया था? हाँ, मैं ही हूँ शेफाली का बाप, जिसे तेरे बाप ने इसलिए मरवा दिया ताकि तू उससे शादी ना कर सके। लगता है कि मेरे माँ बाप का खून तेरे इशारे पर ही हुआ है। हाँ, मेरे इशारों पर हुआ और मेरे ही इशारे पर मेरी बेटी की आत्मा ने तेरी बहन और तेरे दादा दादी का भी खून किया और अब तेरी बारी है। लेकिन मुझसे पहले तुझे मरना पड़ेगा। हाँ? पकड़ लो इसे। हाँ, हाँ, हाँ। बड़ा खूबसूरत है तेरा ये ओम का लॉकेट, ला मुझे दे दे। अब तक तू इस ओम की वजह से बचा हुआ था, इस ओम के बगैर तो तू मोम की तरह पिघलकर खत्म हो जाएगा। ये ओम तुझे मरने नहीं देगा और हम तुझे जीने नहीं देंगे। अब मैं तुझे एक ऐसा इंजेक्शन दूंगा जो तुझे जिंदा लाश में बदल देगा और तू शायद दुनिया का पहला और आखिरी पति होगा जो अपनी पतिव्रता पत्नी के हाथों मारा जाए। कमीने, इंजेक्शन लाओ। सर, भानु प्रताप मर्डर केस की रिपोर्ट है। ओह माय गॉड, मुक्ता कातिल। मुक्ता, उधर है। शंकर, मुक्ता, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मैं कहती हूँ छोड़ दो मुझे। पट्टी खोल दो। उठो शंकर, ये तुम्हें क्या हो गया शंकर? उठो शंकर। बुआ तुम और इस रूप में? ये बुआ नहीं, एक शैतानी बला है और जिसने इसको छुआ है वो सर से पांव तक जला है। ये कुछ भी हो, मुझे इनसे कुछ लेना देना नहीं। मुझे और मेरे शंकर को जाने दो। शंकर ना तो यहां से जा सकता है, ना ही कुछ बोल सकता है और ना ही कुछ सुन सकता है। क्यों? क्योंकि मैंने इसे एक ऐसा इंजेक्शन दिया है जिससे ये बर्फ की तरह जम गया है। जब तू इसे गोली मारेगी और इसके जिस्म से खून निकलेगा तभी इस इंजेक्शन का असर कम होगा और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में यह लिखा होगा कि शंकर की मौत गोली लगने से हुई है, इंजेक्शन से नहीं। खून निकलेगा तो असर कम होगा, लेकिन मैं अपने शंकर को गोली क्यों मारूं? अच्छा, तू शंकर को गोली नहीं मार सकती, मगर शंकर के माँ बाप को गोली मार सकती है। शंकर की बहन को कार के बोनेट से दबाकर उसकी भी जान ले सकती है। अरे हाँ, शंकर के दादा को सीढ़ियों से गिराकर और दादी का मुंह तकिए से दबाकर उन्हें भी मार सकती है, मगर शंकर को नहीं मार सकती। नहीं नहीं, ये सब मैंने नहीं किया, ये मेरे खिलाफ साजिश है। तुम लोग आखिर चाहते क्या हो मुझसे? हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि तुम शंकर को गोली मार दो। हम आखिरी तस्वीर खींचकर एसीपी अर्जुन के हवाले करते हैं। तुम्हें फांसी हो जाए और किसी को यह शक ना हो कि इन हत्याओं के पीछे मेरा और बिंदु का हाथ है और हत्याकांड की यह फाइल हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाए। बकवास बंद करो, मैंने किसी को गोली नहीं मारी और मैं मार भी नहीं सकती। हाँ, मैं जानती हूँ, तू किसी नन्ही बच्ची की तरह डरपोक जो है। मगर तेरा डर उस वक्त मर जाता है जिस वक्त मेरी बेटी शेफाली की आत्मा तुझ में प्रवेश करती है और तू उसके इशारे पर लाशें गिराती है। अभी वो आएगी, फिर देखना क्या होगा। मैं आ गई, तुमने पुकारा और हम चले आए। मैं शेफाली की सहेली बुलबुली हूँ और उसका अधूरा काम पूरा करने आई। मगर मेरी बेटी कहाँ है? अबे भूतनी के, उसका पेट खराब है, उसकी तबीयत खराब हो गई है। तेरे घर का सड़ा हुआ खाना खाकर उसको फूड पॉइजन हो गया है। अरे भूतिया मलेरिया हुआ है, वो भूतनगर के भूतिया अस्पताल में एडमिट है। ये कौन है? ये मेरा लवर, मेरा बुलबुला है। और ये मेरी बुलबुली है। बुलबुला बुलबुली बुलबुली डार्लिंग। यस बुलबुला। ये गुलगुली कौन है? इस पर हमारा दिल आ गया है। क्या बकता है मैन? अरे कुछ भी कहो, बुढ़ापे और जवानी की सरहद पर खड़ी हुई, आधी ताजी और आधी सड़ी हुई, ये कड़वी कड़ी हमारे दिल में घुस गई है। बकवास बंद करो। चुप बे खड़ूस, साला हम तेरी मदद करने आए हैं और तू हमको डांट रहा है। एहसान फरामोश चिकना घड़ा, हमको डांटेगा तो खा जाऊंगा खड़ा खड़ा। मैं बहुत ही हरामी भूत हूँ। मैं तुम दोनों को पहचान चुका हूँ, तुम जिन्नी और जॉनी। मास्क उतारो इनका। मेरी बेटी आ गई। काफी कारनामा अंजाम देने आ गई। पकड़ लो इस मुक्का को। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। जा, जा। इसी दिन का तो मुझे इंतजार था। शंकर ने मेरे अरमानों में आग लगा डाली और उसके बाप ने मुझे मरवा डाला। आज मैं अपने इंतकाम की किताब का आखिरी पन्ना भी फाड़ डालूंगी। कर ले इसके शरीर में प्रवेश। हमें शंकर के पूरे खानदान को खत्म करना है। ले ले अपना इंतकाम। बेटी, शाबाश बेटी, जा। हे शिव शंकर, तेरे होते में इतना बड़ा अन्याय हो जाएगा। मेरी मांग का सिंदूर मेरे पति के लहू में बदल जाएगा। हे प्रभु, हमारी रक्षा कर। हे नटेश्वर, दिखा अपना करिश्मा। जा। अगर तूने आज मेरी मदद नहीं की तो मैं तेरी पूजा कभी नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी। बचा ले मेरे शंकर को, बचा ले प्रभु। तो मैं तेरी पूजा करना छोड़ दूंगी। बचा ले मेरे शंकर को, बचा ले हम लोगों को। दिखा दे अपना करिश्मा। कर दे इसे खत्म। हे प्रभु, हे मेरे शंकर। अबे ओ नीलकंठ की औलाद, तू बड़ा चंड बनता था ना। देख भगवान ने तेरा कैसा बंटा धार कर दिया। अरे बंटा धार तो तुम चारों का होगा। मेरी बेटी मर गई है तो क्या हुआ? तुम्हें मारने के लिए उसका बाप अभी जिंदा है। नीलकंठ, अगर तूने अपने आप को शराफत से कानून के हवाले नहीं किया तो पलक झपकते हुए तेरी लाश तड़पती हुई नजर आएगी। अरे मैं तो मौत का सौदागर हूं और तू क्या है? हाँ, कानूनी चने चबाने वाला एक मामूली पुलिसिया। अरे तुझे तो मैं इतनी बेदर्दी से कूटूंगा जैसे जूता बनाने से पहले चमड़े को कूटा जाता है। ए, सड़क पर पड़े हुए फटे हुए लावारिस जूते, तेरी औकात तो पैर में पहनने वाले मोजे से भी ज्यादा नहीं। तेरा घमंड, तेरा गुरूर इस तरह चकनाचूर कर दूंगा जिस तरह के बच्चे होते चूर का लड्डू चूर चूर करते हैं। लगता है तेरी आंखों में किसी अंधी लड़की का बाल घुस गया है, तभी तेरी नजर कमजोर हो गई है। क्योंकि तू पेड़ को पत्ता और जंगबाज को चूहा समझता है। ना तू जंगबाज है और ना तू रंगबाज है। तू तो वो गूंगी आवाज है जो खुद को धमाका समझती है और जब निकलती है तो खामोशी वाले सन्नाटे से मरती है। सन्नाटा नहीं, यहां चीखों का मेला लगेगा। सब चिल्ला चिल्ला कर तड़प तड़प कर मरेंगे, लेकिन सबसे पहले मरेगा तू। और तू कहलाएगा आज का मुर्दा नंबर 1। इनमें करूँ हाँ करता हूँ। इधर से नहीं, उधर से, इधर से। अभी उंगली नहीं करेगा, मैंने बोला था ना तेरे को अकेले मत जाना। सॉरी जॉनी, नहीं जाऊंगी अकेली। हाय मेरी बुलबुली 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 बुलबुली। निकल गया तेल है? उठ 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 उठ। मुर्दा नंबर 1 है? ले जाओ से। एसीपी साहब, क्या मुझे वाकई फांसी हो जाएगी? मैंने और जिनी ने पूरा वीडियो शूटिंग कर लिया है, जिससे नीलकंठ जी और बुआ जी असली मुजरिम साबित होंगे। मगर तुम लोग यहाँ तक पहुँचे कैसे? वो क्या है, मैंने ही वीडियो कैमरा लेकर इन्हें यहाँ भेजा था ताकि मुक्ता की बेगुनाही साबित कर सकूं। मुझे यकीन है कि अदालत इनके साथ इंसाफ करेगी और ये बाइज्जत बरी हो जाएंगे। मेरा शंकर बच गया, अब मुझे फांसी भी हो जाए तो कोई गम नहीं। ओए होए 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 होए। अबे झांकता क्या है, अपना काम करना। हाँ, अरे इधर चिपक गए, अपन लिपट जाते हैं। ऐसे पे साहब सॉरी।